Welcome to Bowl Exam. Best of luck for exams. Subscribe the Bowl Exam. Also press the bell icon. Here is your teacher and let's start the class. The first is. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं. मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ. इसमें आप अपने आप को भी जान सकते हैं कि आप कितना इस क्वेश्चन पेपर को हल कर सकते हैं. और वैसे मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करवाने जा रहा हूँ. ध्यान से देखें इन क्वेश्चनों को. ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कारण एक दुर्घटना हो सकती है. ऑप्शन दिए हैं, सिर्फ कर्मचारी के कारण, सिर्फ उपकरण के कारण, सिर्फ लापरवाही के कारण, ये सभी. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ लापरवाही के कारण. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दुर्घटना के अप्राकृतिक कारण है. दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस बार भी सेफ्टी में से मैक्सिमम दो या तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ऑप्शन दिए हैं, कर्मचारी की लापरवाही, वर्षा, बाढ़, भूकंप. तो दुर्घटना के अप्राकृतिक कारण, यानी वो प्राकृतिक ना हो. तो प्राकृतिक वर्षा, बाढ़, भूकंप है, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मचारी की लापरवाही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार इंस्पेक्टर को दुर्घटना की सूचना डैश के अंतर्गत देनी चाहिए. ऑप्शन दिए हैं, 12 घंटे, बी दिया है एक दिन, सी दिया है दो दिन, डी दिया है तीन दिन. तो दोस्तों इसका आपको आंसर बताना है. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दो दिन, यानी 48 आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग डैश की वेल्डिंग के लिए होता है. ऑप्शन दिए हैं, स्टील, मोनेल धातु, निकल, ब्रोंज. तो दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में वेल्डिंग से भी बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे आर्क वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, टिग या मिग वेल्डिंग या अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग. इनमें से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं. आप देख सकते हैं इनको, ध्यान से देखें और बाकी भी आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करें. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड की परत डैश कहलाती है. ऑप्शन दिए हैं, स्लैग, फ्लक्स, डी ऑक्सीडाइजर, सुरक्षा परत. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स. यानी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो परत चढ़ी होती है वो फ्लक्स की चढ़ी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आर्क वेल्डिंग में आर्क डैश के कारण बनती है. ऑप्शन दिए हैं, विद्युत ऊर्जा, वोल्टेज के भाव, प्रतिरोध के संपर्क में आने पर, डी दिया है इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक को डैश द्वारा वेल्ड किया जा सकता है. ऑप्शन दिए हैं, टिग वेल्डिंग, वी ऑप्शन दिया है मिग वेल्डिंग, सी ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, डी ऑप्शन दिया है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग. तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड के छिपे हुए दोष को डैश द्वारा पता लगाया जा सकता है. ऑप्शन दिए है, तनन परीक्षण, बी दिया है बेंड परीक्षण, सी दिया है रेडियोग्राफ, डी दिया है इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियोग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में सबसे अधिक सामान्य लप्ट डैश है. ऑप्शन दिए हैं, कार्बोराइजिंग, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग, इनमें से कोई नहीं. तो ये जो दोस्तों कार्बोराइजिंग, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग, ये सभी जो हैं लपटे ही हैं, यानी फ्लेम है. तो इसमें बताना है कि वेल्डिंग में सबसे अधिक सामान्य लप्ट, जो ज़्यादातर सामान्य है, जनरली है, तो उसका इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रल. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यूट्रल लपटे में कितने जोन्स होते हैं? न्यूट्रल जो फ्लेम होती है उसमें कितने जोन्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर सोल्डरिंग आयरन बिट डैश से बनी होती है। ऑप्शन दिए हैं कास्ट आयरन, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक क्लोराइड प्रक्रिया में फ्लक्स की तरह उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रीजिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवीसी प्रकार का अग्निशमक डैश के लिए उपयोग होता है, यानी एवीसी जो श्रेणी का जो एक्सटिंग्यूशर है वो कौन सी आग बुझाने के लिए प्रयोग होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कागज़ लकड़ी की आग के लिए, गैसीय आग के लिए, वैद्युतीय अग्नि, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ सफाई ब्रेजिंग करने से पहले डैश, ऑप्शन दिए हैं ऑक्सीडेशन को कम करना, जंग को कम करना, स्केल की बनावट को कम करना, स्लैग की बनावट को कम करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा जंग को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार अनुमति देता है डैश और डैश में धातु की विशेषताओं में बदलाव की। ऑप्शन दिए हैं यांत्रिक भौतिक, यांत्रिक रासायनिक, भौतिक रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक भौतिक, यानी मैकेनिकल फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील शीट का उपयोग मुख्य रूप से डैश बनाने में होता है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दें और बुक्स को बिल्कुल डीप में पढ़ें। ऑप्शन दिए हैं वाटर टैंक्स का भरना, ऊष्मा भट्टी, वॉयलर्स, डेयरी प्लांट टैंक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वॉयलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण शीट की मोटाई मापने के लिए उत्तम उपयुक्त होता है? ऑप्शन दिए हैं माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, साधारण कैलिपर, स्टील रूल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वर्नियर कैलिपर। वैसे तो शीट की मोटाई मापने के लिए शीट मेटल गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिपटे ऑपरेशन के लिए किस हथौड़े के उपयोग होता है? ऑप्शन दिए हैं मैलेट, वेल हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा, पैनल हथौड़ा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव बैटरी की क्षमता डैश में मापन होता है। ऑप्शन दिए हैं एम्पियर, एम्पियर घंटे, वाट्स, वाट्स घंटे। तो यानी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर हावर, यानी एम्पियर घंटे। यानी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो किससे देखी जाती है? एम्पियर हावर से, ना कि बोल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 mm व्यास तक के छोटे छिद्रों को डैश द्वारा उपयोग में लाकर बनाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं मध्यक छेदक, प्रिक छेदक, खोखला छेदक, डॉट छेदक। दोस्तों देखो कैसी हिंदी होती है, यानी इसको बोला गया है, ऑप्शन ए दिया है, सेंटर पंच, प्रिक पंच, होलो पंच, डॉट पंच। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, खोखला छेदक, यानी होलो पंच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप का हिस्सा डैश के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन दिए हैं मोड़ने, पकड़ने और सहारे, कोणीय अवयव बनाने के लिए, डिस्क पर कार्यरत कोने, खोखली बनावट वाले बेलनाकार सतह। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कोणीय अवयव बनाने के लिए, यानी इसको बोला जा सकता है मेकिंग कॉनिकल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथों का प्रतिबल डैश बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, यानी हैंड शेयर कैन बी यूज्ड फॉर। ऑप्शन दिए हैं छिद्रों को बनाने के लिए, काटने के लिए, मोड़ने के लिए, पकड़ बनाने के लिए, यानी मेकिंग होल्स, कटिंग, बेंडिंग, होल्डिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, काटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल की कटाई की गति को मापने की इकाई डैश होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ड्रिल वाले चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ें और ड्रिल के सारे भाग, उसके प्रकार, कौन सी ड्रिल ज़्यादा यूज़ की जाती है वो। अभी इसके ऑप्शन दिए हैं प्रक्रिमा प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, प्रक्रिमा प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो यानी रेवोल्यूशन पर मिनट, मीटर पर मिनट, रेवोल्यूशन पर सेकंड, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रेवोल्यूशन पर मिनट, प्रक्रिमा प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल की काटने की गति डैश पर निर्भर करती है। ऑप्शन दिया है वर्क पीस की धातु पर, कटिंग औजार की धातु पर, वर्क पीस की पकड़ का तरीका, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उपकरण के द्वारा वर्क पीस में तय की गई दूरी डैश दूरी को फीड ड्रिल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन दी है अक्षीय, लंबवत, स्पर्शिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल का सबसे अधिक सामान्य प्रकार डैश है। ऑप्शन दिया है समतल ड्रिल, सीधी फ्लूटी ड्रिल, मरोड़ ड्रिल, मध्य ड्रिल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मरोड़ ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मरोड़ ड्रिल को बोला जाता है ट्विस्ट ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल में नली पर फ्लूट की समाप्ति और बिंदु की अक्षीय लंबाई डैश होती है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ड्रिल के सारे भागों का पता होना जरूरी है। तो ऑप्शन दिए हैं हेलिक्स की लीड, फ्लूट की लंबाई, कुल लंबाई, धार और किनारे की लंबाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लूट की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार क्लियरेंस कोण का सबसे अधिक सामान्य मान डैश है। ऑप्शन दिए हैं 0 डिग्री, 6 डिग्री, 12 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी ड्रिल से ही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीलर गेज का उपयोग डैश को मापने के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ये हैं शीट की मोटाई, सिलेंडर का व्यास, दो भागों के बीच क्लियरेंस, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, दो भागों के बीच क्लियरेंस। यानी जो फीलर गेज है, जिसको हम थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य तौर पर ड्रिल्स डैश प्रकार की धातुओं में बनाई जाती है। ऑप्शन दिए हैं सामान्य, ठोस, कोमल, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन के डैश और डैश का छिद्र चौड़ापन कहलाता है। ऑप्शन दिए हैं विस्तारीकरण फिनिशिंग, विस्तारीकरण गणक विधि, फिनिशिंग गणक विधि, निम्न में से कोई नहीं।
यानी द ऑपरेशन ऑफ एंड डैश ए होल इज कॉल्ड रिमेनिंग एनलार्जिंग फिनिशिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विस्तारीकरण फिनिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अविनाशक जांचने का प्रकार नहीं है? ऑप्शन दिए हैं एडी करंट जांच, दृष्टि जांच, वर्नियर जांच, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विनाशक जांचने का प्रकार है? ऑप्शन दिए है चुंबकीय कणों की जांच, रेडियोग्राफिक जांच, क्रीप जांच, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रीप जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरारों की खोजने चालकता और ठोसपन डैश तरीका यानी एनडीटी तरीके की तरह उपयोग होता है? अति ध्वनि जांच, तरल भेदक जांच, एडी करंट जांच, रेडियोग्राफिक जांच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरल भेदक जांच यानी लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज करंट को सिर्फ तभी प्रभावशाली बना सकते हैं यदि सर्किट डैश होता है? ऑप्शन दिए हैं बंद सर्किट, खुला सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड सर्किट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोज सर्किट यानी बंद सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक अवयव अति संवेदनशील तापमान है? ऑप्शन दिए हैं विभव मापी, नियंत्रक, फोटोचालक सेल, तापायक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तापायक, जिसको थर्मिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु की परमाणविक संख्या को डैश संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के साथ अर्धसुचालक के प्रतिरोध में डैश होती है? ऑप्शन दिए हैं वृद्धि, कम होती है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि यानी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के साथ उत्तम सुचालक की चालकता में डैश होती है? ऑप्शन दिए हैं वृद्धि, कम होती है, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक उपयोग में बैटरी की वोल्टेज डैश है? ऑप्शन दिए हैं अधिकतम आने पर जल्द से जल्द अलग होगी, भार बढ़ने के साथ कम होगी, अस्थायी तौर पर जमा हो सकती है, ऊर्जा जाने पर घटकर शून्य तक आ सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा जाने पर घटकर शून्य तक आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक JEFT डैश है? ऑप्शन ये है करंट नियंत्रित डिवाइस, निम्न इनपुट प्रतिरोध होता है, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, हमेशा प्रगतिशील पक्षपाती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करंट नियंत्रित डिवाइस यानी इज ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर इंजन के डैश आरपीएम के अनुकूल आवर मिनट एक इंजन के कार्य किए गए घंटों को दर्शाता है? ऑप्शन दिए हैं 500, 1000, 1500, 2500। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन के सुरक्षित कार्य और कार्यकुशल के लिए नीडल को हमेशा तापमान पैमाने के डैश क्षेत्र में रहना चाहिए? ऑप्शन दिए हैं लाल, पीला, सफ़ेद, हरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पर मुड़ने के दौरान इंडिपेंडेंट ब्रेक का उपयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन दिया है राजमार्ग क्षेत्र, कम गति, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर को चालू करने से पहले डैश
करना चाहिए, यानी ईंधन का बटन बंद होना चाहिए, नाब पूर्ण रूप से दबाना चाहिए। बी दिया है टायर के दबाव की जांच। सी दिया है दोनों ब्रेक पैडल अंदर से बंद होने चाहिए। डी दिया है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर डैश एक परिचालक डिवाइस है। ऑप्शन दिए हैं करंट, वोल्टेज, दोनों ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग औजार डैश के कारण घिस जाते हैं। ऑप्शन दिए हैं किनारे घिसना, गर्त घिसना, बगल घिसना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बगल घिसना, यानी इसको बोला जाता है फ्लैंक वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घरेलू ऊर्जा की आवृत्ति क्या है? ऑप्शन दिए हैं 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 160 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलाव की अवस्था के निर्देश बैटरी का उत्तम प्रदर्शन डैश द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की विशेष गुरुत्व, इलेक्ट्रोलाइट के कलर, इलेक्ट्रोलाइट का तापमान, इलेक्ट्रोलाइट का स्तर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलाइट की विशेष गुरुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्टीमेट डैश होता है, यानी अंतिम माप या लीस्ट काउंट डैश होता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.01 mm। अगर बात करें ब्रिटिश माइक्रोमीटर की तो उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 mm, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें, देखें, ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार की हिंदी जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो उसको क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंबाइन करके पढ़ें और फिर आंसर करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ बाय फ्रेंड, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड कीप कनेक्टेड। बाय।